उत्तर प्रदेश के हरदोई के त्रोली थाना क्षेत्र के नरियाखेड़ा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई और गोली चली, जिसमें से एक गांव निवासी पप्पू के उसके पिता भैयालाल और भाई संतोष घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर पप्पू की हालत गंभीर होने पर लखनऊ से रेफर कर दिया गया। घटना के बाद नाराज भाकियू नेता ने थाने पर घेराव किया और प्रदर्शन किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी अमित कुमार ने किसी तरह से मामला शांत करवाया। जानकारी देते हुए घायल संतोष ने बताया कि उसने गाँव में जमीन खरीदी थी, जिस पर वह अपना निर्माण करा रहा था। इसी बीच पिहानी थाना में तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार जोगी अपने साथियों के साथ आया और मारपीट करने लगा। आरोप है कि उसने तमंचे से फायर कर दिया, जिसमें उसके भाई और पिता को गोली लगी है। एसपी ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में हेड कांस्टेबल राजकुमार जोगी ने प्रभारी निरीक्षक अत्रोली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में कार्यवाही कर रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। आज सुबह सुबह नरियाखेड़ा थाना अत्रोली में एक जमीन के लोग एक विवाद हुआ, जिसमे एक हेड कांस्टेबल राजकुमार सिंह जो की थाना पिहानी में तैनात है, वो और उसके परिवार वाले तथा दूसरा पक्ष भैया लाल यादव व उसके परिवार वाले दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडा पत्थर इत्यादि ईंटें भी चले और फायरिंग भी हुई। दोनों पक्षों का एक दूसरे पर आरोप है कि एक उस दूसरे पक्ष ने फायरिंग की। फिलहाल दोनों पक्षों के द्वारा जो तहरीर प्राप्त होती है उससे मुकदमा लिख के आगे विवेचना की जाएगी। विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उससे सभी को अवगत कराया जाएगा। ये मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। विवेचना के बाद ही ये पता लगाना संभव कि किस पक्ष द्वारा फायरिंग की गई। दोनों पक्षों से क्योंकि चोटें आई हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। इलाज के बाद जो भी तहरीर प्राप्त होती है दोनों पक्षों के द्वारा, उसके बाद मुकदमा दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कई लोग गोली लगी हुई है। अभी एक व्यक्ति पप्पू नाम के व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसका इलाज लखनऊ से चल रहा है। फिलहाल एडिशनल एसपी पूर्वी जो है उसके देखरेख में साथ में है और पूरी जानकारी उनके द्वारा भी की जा रही है और करके वो जैसे जानकारी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी वैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तीन लोग आए थे थाना अतरौली से नरियाखेड़ा गांव से, जिसमें से एक लोगों को रिफ़र कर दिया गया है, दो लोग यहीं पे हैं, वो उनकी हालत सही है और उनका इलाज जारी है। एक की हालत गंभीर थी। क्या हुआ था, किस प्रकार चोट लगी? जो रिफ़र हुआ है उससे तो गोली लगी थी। जो यहाँ भर्ती, उनकी हालत कैसे? उनकी हालत ठीक है। मैं हेड कांस्टेबल पोस्ट पर तैनात हूँ थाना कोतवाली पिहानी में। कल लगभग 4:15 बजे 4-4.25 आदमी की संख्या से घर से ताली में मोरग मसाला बनाकर एक ताली ईंटा, एक टैंकर पानी, लगभग 4.25 आदमी उस प्लाट पर पहुँचे हैं। तो इस लड़के को पकड़ के बैठा लिए, एक नौकर था, और ये लोग एकाएक काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद उसमें मेन रोल रामगुनी चौरसिया, भैयालाल और लगभग 400-400 आदमी नाम तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन इतनी संख्या में एसओ साहब वहाँ पर देखे भी। फिर मैंने एसओ साहब को फ़ोन मिलाया, हम कहा साहब इस तरीके की बात है, मेरा लड़का अकेले है, वो लोग हत्या करने के और कब्जा करने के दोनों नीयत है उनकी। इस टाइम कोई मतलब नहीं है बनाने की, जिस टाइम जब आप कागज़ देखे थे इसके पहले उत्तम साहब 10 दिन पहले दोनों पार्टियों को हिदायत दिए थे इस पे कोई पक्ष नहीं बनाएगा, लेकिन वो छुट्टी चले गए। इसके कारण त्यागी साहब उनसे 48 घंटा 50 घंटा जो समय दिए, जो पैसे लिए हो ठीक है, विभाग में होने के नाते उन्होंने अच्छा किया जो किया है। और जब इनको मैंने फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि आप भी आइए। तो मैं सलिया बॉर्डर पर ड्यूटी में था, मैं आया थाने कोतवाली पे, कोतवाल साहब के साथ झगड़ा हो गई है, मैंने 3 दिन की सीएल लिया, रवानगी कराया। 11 बजे रात को मैं कोतवाल साहब के पास आया यहाँ अतरौली। मैंने कहा साहब वहाँ भी 200 आदमी इकट्ठा हैं और जनरेटर भी लगा है, कार्य हो रहा है वहाँ पे, आप वहाँ जाने से क्या। 112 नंबर को सब भगाई दिए थे, वो 112 वाले भी बताएंगे सर। और फिर इन्होंने फ़ोन किया, तब वो वहाँ से जनरेटर और आदमी उनके चले गए, लगभग 20 आदमी फिर भी वो बने रहे। रात में कोई जब लड़के पास हम गए, चूँकि लड़का वहाँ अकेले था, मुझे जाना जरूरी था, मैं गया था। रात में कोई बात नहीं हुई, कोई मतलब नहीं हुआ। फिर 5 बजे लगभग ये बोलेरो लेकर 150 आदमी लोकल गांव है फिर इकट्ठा हो गए। वहाँ पर इन्होंने बल्ली गाड़ कर पन्नी वो टांग कर तकत वकत रख दिए, उसमें आग जला दिए। ये हुआ भाई पन्नी क्यों गाड़े हो जब इसको साहब मना किए हैं।
तो मैंने एसओ साहब को फोन मिला, एम का साहब ये आए हैं फिर हरकत कर रहे हैं। अरे कहने यार जुड़ाई उड़ाई नहीं हो रही है, सब ऐसे परेशान ना हो। तो चूँकि हमें पूर्ण विश्वास है हमारे कोतवाल साहब के कारण ये घटना घटी है, और उन्होंने इसलिए मुझे बुलाया कि मैं इनको मुलजिम बनाऊंगा तो सुलह होगा, दबाव। अच्छा क्या घटना क्या हुई आज, क्या हुआ आज? घटना यही हुई कि उन्होंने अपना वो पन्नी गाड़ा कब्जा करने की नीयत से फिर वो जुड़ाई उड़ाई शुरू कर दिए थे इसी रोकने टोकने को लेकर। वो सब चूँकि राम गुनीत पास राइफल थी, और वीडियो आप देख लीजिए, कम से कम 125 आदमी आज भी हैं और 4 आदमी के पास तमंचे थे। जी सर, मैं नरिया खेड़ा से आए, पोस्ट ऊपर गाँव नेवादा। आगे जमीन थी हमारी बालाजी कांटा के बगल में, हम बना रहे थे, तो राजकुमार सिपाही अपना आदमी लेके आए और विकास ये लोग बस मारपीट चालू किया। उसके बाद में राजकुमार पिताजी को मेरे गोली मारी, भैया लाल को। फिर मेरा भाई भी घायल हो गया, हमारे सर में चोट है और तैनात है टड़ियामा थाना। ये गोली चलाई ये कौन है? राजकुमार सिपाही। कहाँ पर तैनात है? टड़ियामा थाना। तो कितने लोगों को चोट लगी इसमें, कितने लोग घायल हैं? 3 लोग, भैया लाल, पप्पू, संतोष। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।